लेकर भाजपा सरकार संवेदनहीन दिख रही है। सरकार के गौ माताओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से गौ हत्या का शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत खटखरी चौकी के जमुई गांव में दो नामजद आरोपियों सहित अन्य कुछ आरोपियों के द्वारा गौ हत्या को अंजाम दिया है। बताया गया है कि फरियादी विनय गुप्ता निवासी चौहना के द्वारा खटखरी चौकी में सूचना दी गई थी कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा जमुई गाँव के जो कि नाला के किनारे गाय को काट दिए हैं। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मौजूद साक्ष्य को एकत्रित करके पशु चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इन दिनों शाहपुर थाना अंतर्गत अपराधियों और चोरों के हौसले बुलंद है। जिस तरह से अपराधियों व चोरों के द्वारा शाहपुर थाना अंतर्गत आतंक फैलाया जा रहा है, इससे आम जनमानस में डर का माहौल बना हुआ है। धरना हुई हमारे इधर, पशुओं को काटा गया है कल रात को शायद, तो हम कहीं बाहर से आए घर में, तो हमारे बगल में लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनके आपसी में, तो पुलिस पता चला कि कल रात को यहाँ पे हुआ है कुछ ऐसा। किसका लड़ाई झगड़ा हो रहा था? उन्हीं मुस्लिम समाज के। कौन है उनका नाम? एक रियालुद्दीन है और मुबारकदीन के घर में गाली दे रहा था जोर जोर से। बोल रहे मतलब पशुओं कल काटा गया है, खाया गया है। ये कौन बोल रहा था? वो रियालुद्दीन। किसको बोल रहा था? वो मुबारकदीन के घर में। मुबारकदीन के घर में कौन बोल रहा था? रियालुद्दीन। उसको मुबारकदीन को बोल रहा था ऐसा। चलिए, कल रात को यह हुआ है, ये लोग खाए हैं। धन्यवाद। इसमें जमुई थाने की घटना है जहाँ पे अवशेष मिले हुए हैं, जिसके संबंध में सूचनाएं आई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, पीएम के लिए विवेचना? पीएम भी हो गया है, उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं सर सामने। जिसके नाम आ रहे हैं उसको विवेचना की जा रही है।